हाँ तो प्यारे कप्तनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा यह है कि आपको रस की मैं ट्रिक बताने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर में। रस जो कि आपका हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी पुलिस को लेकर खास करके, उसमें आपको 10 मिनट के अंदर ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के बाद में क्या करेंगे, ट्रिक के बाद कुछ एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू साथ ही पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन भी सुन लेना आप शांति से। तो पहली बात भैया रस, तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक का मतलब ये है कि आपको एकदम समझ में जाएगा, चीजों को पकड़ लोगे आसानी से, चीजें समझ में आएगी। और एक्चुअल में जो एग्जाम में रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पहला मुद्दा क्या भैया, रस का संबंध किस धातु से होता है? तो रस का संबंध किस धातु से होता है? सर धातु से होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर में पूछा जा चुका है। 27 जनवरी 2019 की जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, रस का संबंध किस धातु से होता है। तो ठीक है, ये याद रखना अपने को, किससे? सर धातु से होता है। और जब आ चुका है ये क्वेश्चन तो अब भी आ सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है प्यारा दोस्त, तो ये याद रखना अपने को। दूसरी बात क्या भैया, दूसरी बात ये, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी अपने को याद रखना है। आनंद होता है, और किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये फैक्ट है जिनको अभी एज इट इज याद करना है। अभी समझने वाली जो चीजें हैं या ट्रिक वाली जो चीजें, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरी की बात आती भैया, इसकी एक आती परिभाषा। तो काव्य को पढ़ने या सुनने, दो चीजें निकल के आती है। पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति है उसे रस कहा जाता है, ये इसकी एक्चुअल परिभाषा है। एक छोटी परिभाषा और जो बुक में देखने को मिलती है, हृदय में आनंद की अनुभूति रस कहलाती है, ये छोटी परिभाषा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुछ ये फैक्ट है जो भी एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि प्रतिपादक, रस के प्रतिपादक कौन है? तो भरत मुनि है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रस से अगर क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। जिसके बाद भैया भरत मुनि ने अपने कौन से, इनकी एक बुक का नाम याद रखना, रस सूत्र, बुक पुस्तक प्रति मतलब ग्रंथ कुछ भी कह सकते हो आप। तो भरत मुनि के अनुसार अपने रस सूत्र में, तो रस सूत्र किसका है? भरत मुनि का। भरत मुनि कौन है? रस के प्रणेता है, प्रतिपादक है, ठीक है। अब इनने क्या लिखा भैया, इनने एक लाइन लिखी है, इस लाइन का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, क्यों? क्योंकि ये बहुत मान्यता प्राप्त है, ठीक है। विभावन अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगादा निष्पत्ति, ये जो लाइन लिखी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब निष्पत्ति मतलब वही, कुल मिला के रस निकल के आता है इन सब की, इन सब के सहयोग से। अब एक्चुअल में क्या होता है, रस अगर आप देखोगे तो टोटल रस की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। लेकिन रस का मतलब क्या है? रस मतलब आपकी इमोशंस, गुस्सा, प्यार, घृणा, ये सब आपकी इमोशन से बाहर आते हैं। लेकिन ये क्या चीज है भैया, विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव, ये वो होता है कि आपको गुस्सा आया तो किन कारण से, किन परिस्थितियों में, किस वजह से आया, और गुस्सा आने के पहले आपके शरीर में क्या हलचल हुई, और आने के बाद में, आने के बाद में गुस्सा आएगा तो आपको शरीर में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे आपको डर लगा तो डर लगने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप कांपने लग गए, ठीक है। तो ये जो भाव है, ये सारी चीजें होती है विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव, जिनको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे अभी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि मेन मुद्दा ये कि स्थायी भाव पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11 स्थायी भाव जो पढ़ेंगे अपन, जिनको बेसिकली रस कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस को, काव्य की आत्मा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारी एग्जामों में एज इट इज पूछा जा चुका है। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है किसे? रस को माना जाता है। आई बात समझ में, ये याद रखना है। बाकी ये वाली जो चीजें हैं, अगर आपका हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर है और ये चीजें डिटेल में पढ़ना है, व्यभिचारी भाव, अनुभव, संचारी भाव, तो कोर्स के अंदर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा। वैसे यहाँ पे अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ट्रिक बता रहा हूँ। तो रस के अंग या अवयव, अंग और अवयव कौन कौन से होते प्यारे बच्चों? देखो रस का एक अंग तो ये है भैया, कौन सा? स्थायी भाव, या जिसे प्रधान भाव बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी? 11 है। तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा तो यही है, लेकिन ये 11 भाव आने के पहले और बाद की क्या परिस्थिति होती है? तो एक होता है विभाव, विभाव के अगर भेद पूछे तो दो ही भेद होते हैं, आलंबन, उद्दीपन, सिर्फ दो भेद होते हैं, इनके अलावा तीसरा नहीं होता। अनुभव, अनुभव के अगर भेद पूछे जाए तो कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन सबको डिटेल में बता चुका हूं। इन सबके ऊपर एक पर्टिकुलर लेक्चर है, मतलब एक घंटे का लेक्चर है, एक घंटे का लेक्चर में 10 मिनट के अंदर नहीं बता सकता आपको। तो अभी बस इतना याद रख लीजिए आपके अनुभव के कितने 4 भेद है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अनुभव का कौन सा भेद नहीं है, तो हो सकता है इन 4 के अलावा 5वां नाम उद्दीपन दे दे, तो आपको वहां पर उद्दीपन पर टिक करना पड़ेगा। उद्दीपन तो भाव का भेद है, ना कि अनुभव का भेद है, तो इसलिए इनको पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। व्यभिचारी भाव को और किस नाम से जानते हैं? संचारी भाव के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 33 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी? 11 है। विभाव की संख्या कितनी? 2 है। और अनुभव की संख्या कितनी? 4 है। ये सब इनके भेद बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो कोर्स के अंदर है, तो वहां पे आप देख सकते हो। बाकी अभी बेसिक बेसिक जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। मेन मुद्दे की बात भैया, जो एग्जाम में आएगा वो चीजें बताओ हमको। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे बेटा? ये आएंगे, सॉरी बेटा नहीं, क्योंकि बहुत लोग, बड़े लोग भी वीडियो देखते हैं तो इस वजह से, पर आदत पड़ गई या क्या कर रहे हैं यार। तो देखो कुल मिलाकर बात ही भैया की, अब जो होते हैं संख्या, तो रस की संख्या को लेकर बहुत सारे विवाद है कि रस की संख्या एक्चुअल में है कितनी, कहीं पे 8 है, कहीं पे 9 है, कहीं पे 10 और कहीं पे 11 है। तो 10 कब है, 8, 9 है, कब कब कौन कौन सी, ये बताएंगे। तो रस, तो भरत मुनि, भरत मुनि कौन है भैया? भरत मुनि कौन है?
रस के प्रणेता है, ठीक है। इनका जो अपना ग्रंथ या बुक कौन सी है, तो इसकी बुक कौन सी, इनकी बुक रस, रस सूत्र, ठीक है। ये रस सूत्र का नाम याद रखना अपने को, किसके संदर्भ में, भरत मुनि के भाई साहब के संदर्भ में। इनने रस की संख्या कितनी बताई है, इनने रसों की संख्या 8 बताई है। 8 क्यों बताई भैया, रस तो टोटल 11 होते हैं, लेकिन इन्होंने 8 ही माना है। इनने 8 क्यों माना है, शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, इनको रस नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया, उसका क्या कारण है, इनने 8 ही क्यों माने। देखो शांत रस का मैं बताता हूं, अगर मैं यहां पे अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको सामने से शांत खड़े हूं तो उसका कोई सेंस है क्या, कोई सेंस नहीं है। तो इनका कहना है कि शांत कोई रस थोड़ी ना है, शांत तो मतलब उदासीन अवस्था होगी कि कुछ कोई कर ही नहीं रहा, तो उसको आप रस नहीं मान सकते। दूसरी बात भैया, भक्ति और वात्सल्य, तो वात्सल्य का मतलब यह है कि भैया कि एक मम्मी का अपने बेटे से प्रेम जो होता है वो भी तो एक तरह का प्रेम होता है, और भक्ति में क्या होता है, मीरा का कृष्ण जी से प्रेम, तो वो भी तो प्रेम ही है। तो आप इन दोनों को अलग क्यों लिख रहे हो, ऐसा भरत मुनि भाई साहब बोलते हैं कि इन दोनों को आप अलग क्यों लिख रहे हो, ये दोनों श्रृंगार रस के अंतर्गत भी तो आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, क्योंकि प्रेम का संदर्भित रूपी तो, मतलब प्रेम का परिवर्तित रूपी तो यही है, ये तो प्रेम ही ना, तो इनको अलग लिखना जरूरी नहीं है। जबकि देखा जाए तो अपने हिसाब से श्रृंगार रस में पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, प्रेमी प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम आता है, और इनपे इसमें माँ और बेटे का प्रेम, और इसमें भगवान के प्रति अपना जो प्रेम होता है वो आता है। लेकिन भरत मुनि भाई साहब का कहना प्रेम तो प्रेम ही होता है, तो इन सबको एक ही माना जाए, इसलिए उन्होंने रस की संख्या कितनी 8 मानी है। तो कौन कौन से नहीं माने, शांत, भक्ति और वात्सल्य रस को नहीं माना उन्होंने रस, किसने, भरत मुनि जी ने। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। हिंदी में कुल रस, हिंदी में रस कुल कितने हैं, तो हिंदी में कितने माने गए, हिंदी में 9 रस माने गए हैं, 10 और 11। तो भैया 11 होते लेकिन 9 ही क्यों माने गए, दो कौन से नहीं माने गए, तो भक्ति रस, वात्सल्य रस को नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया, क्योंकि हिंदी में सिंगार रस को रसराज माना गया है, रसराज माना गया, और क्यों रसराज माना गया वो भी मैं आपको बताऊंगा जस्ट अभी। बस अभी इतना याद रख लो कि हिंदी में कुल रसों की संख्या कितनी 9 है, ठीक है। प्राकृत, प्राकृत में एक भाषा है, प्राकृत में कुल रसों की संख्या कितनी 10 है, वहां पे भक्ति रस को महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। संस्कृत में कुल रस कितने होते हैं, संस्कृत में कुल रस 11 होते हैं, जो अभी अपन पढ़ेंगे। और कुल रसों की संख्या अगर नॉर्मली आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है, 11 होती है, ये बात याद रखना आप अच्छे से, ठीक है। बेसिकली अगर एग्जाम में आए कि रसों की संख्या कितनी, तो आपको 11 ही लगानी है, बाकी ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे आप अपना विवेक लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी कर चुका हूं यहां पे, बाकी अपना दिमाग जरूर लगाएं वहां पे एग्जाम में। अभी भैया अपन ने जो रस माने वो टोटल कितने माने, 11 माने, 11 ये लिखे यहां तक 11। अब ये 11 जो माने हैं, तो ये जो श्रृंगार रस होता है जिसका स्थाई भाव क्या होता है भैया, स्थाई भाव रति होता है। स्थाई भाव मतलब क्या भैया, स्थाई भाव मतलब ऐसे भाव जो हर इंसान के अंदर आपको मिलेंगे स्थाई रूप से। हर इंसान के अंदर प्रेम होता है, घृणा होती है, क्रोध होता है, दुनिया भर के सारे धक्कम होते हैं, ये पूरी चीजें हर एक इंसान के अंदर मिलेगी आपको। इमोशंस मतलब पूरे हर एक इंसान के अंदर मिलेंगे, तो इन्हीं इमोशंस का एक और नाम दे दिया, तो उसे रस बोल दिया गया, ठीक है। यही रस है, सही बात समझ में। तो अब जैसे प्रेम है, ये रति को आप क्या बोल सकते हो, रति को आप बोल सकते हो भैया प्रेम, ठीक है। अब प्रेम, प्रेम जो कि एक स्थाई भाव है, उसका रस कौन सा है, तो उसका रस हो जाएगा श्रृंगार रस, आई बात समझ में, श्रृंगार रस हो गया। तो आपसे यूं पूछा जाता है एग्जाम में कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है, तो प्रेम है भैया। हास्य, हास्य का स्थाई भाव क्या है, तो हास है, ठीक है। करुण का स्थाई भाव क्या है, शोक है, ये याद रखना अपने को। वीर का क्या है, उत्साह है। मैं आपको कनेक्ट भी करवा देता हूँ कुछ चीजें, बेसिक चीजें, जैसे श्रृंगार, श्रृंगार में क्या होता है, श्रृंगार कौन करती है, लड़की करती है, ऑफकोर्स लड़की करती है। तो लड़की श्रृंगार क्यों करती है, ताकि वो किसी लड़के को मोहित कर पाए, या लड़का श्रृंगार क्यों करता है, ताकि लड़की को मोहित कर पाए, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनके क्या ध्यान बजाएंगे, क्या करेंगे, मंदिर में आरती करेंगे, तो प्यार मोहब्बत ही ना। तो श्रृंगार, श्रृंगार जब किया जाता है जब प्रेम की लालसा होती है, तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव कौन सा है, प्रेम। और प्रेम का ही, प्रेम को ही क्या बोला जाता है, रति बोला जाता है, ठीक है। हास्य रस, ये कनेक्ट करवा रहा हूं, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। हास्य रस, हास्य में क्या होता है, हास्य अलग ही दिख रहा है, हास्य मतलब हंसना, तो इसका तो आप याद रख सकते हो हास, ठीक है। करुण, करुण मतलब क्या होता है, करुण मतलब शोक, करुण, करुण, करुण मतलब आप उदासीन व्यक्ति से लगा सकते हो, उदास व्यक्ति, उदासीन नहीं, उदास व्यक्ति। करुण अपन बोलते हैं ना, करुण मतलब यार, करुण का तो एक नॉर्मल से ही आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो बाकी याद करवा देता हूँ। करुण का मतलब ये होता है नॉर्मल, अगर आप देखोगे तो इसका शोक हो जाएगा, जैसे कोई आदमी व्यक्ति मर गया, ठीक है, कोई व्यक्ति मर गया, अब आप दुख में बैठे हो, तो वो क्या होता है, शोक। अब वो शोक में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको शोक लगा है, शोक में बैठा है, तो वो जो स्थायी भाव निकल के आता है, जो रस बोलते हैं उसको, उसको करुण बोला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप वीर का देखोगे, तो वीर का उत्साह होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई आर्मी के गाने बजते हैं या कुछ होता है, तो आपको उत्साहित गाने मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा मरा मरा सा गाना मिलेगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, तो उत्साह मिलेगा, वीर रस आएगा। तो हमेशा आप वीरतापूर्वक कार्य कभी करते हो जब आपके अंदर से उत्साह हो, उत्साह मतलब एक अलग तरह की एनर्जी हो, तो ये याद रखना कि वीर रस जब आएगा जब आपके अंदर उत्साह रहेगा, ठीक है। जिसके बाद रोद्र, रोद्र किसको, रोद्र और क्रोध, तो क्रोध किसको आता है, शंकर जी को आता है। और शंकर जी का क्रोध जब आता है तो कौन सा रूप धारण कर लेते हैं, रोद्र रूप, तो रोद्र क्रोध ये कनेक्ट कर लो। भयानक का तो अलग ही दिख रहा है, भयानक का भय हो जाएगा। विभत्सा, विभत्सा का घृणा हो जाएगा, ठीक है, विभत्सा का घृणा हो जाएगा। अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। जिसका शांत का क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। अद्भुत, अद्भुत का विस्मय और
शांत का निर्वेद हो जाएगा और वात्सल्य। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रसराज जो कहा जाता है सिंगार रस को क्यों कहा जाता है, उसका क्या कारण है, उसको कहने ये इतने सारे थे इनको कहने की आवश्यकता पड़ गई, वही क्यों रसराज है वो बताता हूँ मैं आपको। वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है, वत्सलता, वत्सलता मतलब मम्मी और बेटे के बीच में जो प्रेम होता है वो। और भक्ति मतलब क्या होता है भैया, भक्ति का मतलब ये होता है भक्ति रस जो भगवान और अपने श्रद्धालु के बीच में अपने बीच में होता है। तो भगवत भक्ति रस जो है, भक्ति स्थायी भाव उसका एक और नाम है भगवत विषयक रति। अब ये रति आया तो रति देखो रति कहाँ है, रति यहाँ है, और रति का अर्थ क्या हो गया एक्चुअल में देखा जाए सामान्य भाषा में तो प्रेम हो गया, ठीक है। तो अब ये जो दोनों है, ये दोनों जो है मतलब दसवा और ग्यारहवा जो है कौन कौन से, वात्सल्य और भक्ति, इन दोनों को देखा जाए तो रति, ये दोनों भी एक तरह का प्रेम है, तो इन दोनों को यहाँ पे मिला दिया जाए भरत मुनि के अनुसार, तो ये क्या हो जाता है। अब मैं अगर बोलूं कि इन दोनों की शक्ति उठा के श्रृंगार रस में मिला दो तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बन गया है, श्रृंगार रस बन गया। अब जो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया वही क्या कहलाएगा, राजा कहलाएगा, इसलिए तो जंगल का राजा कौन है, शेर, आई बात समझ में। तो शेर शेर पावरफुल रहता है, तो इसलिए श्रृंगार के अंदर दोनों की एनर्जी चली जाती है, दोनों की पावर चली जाती है, इनका प्रेम होता है तो ये प्रेम भी इसमें चला जाता है, इसलिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आता ही आता है प्यारे बालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, अब मैं इनको एक एक से बता रहा हूँ आपको, टोटल जो 11 रस हैं, 11 रस के स्थाई भाव, स्थाई भाव के अलावा इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आप इनको पहचान सकते हो। एग्जाम्पल मैं थोड़े यूनिक दूंगा आपको, गाने और इस टाइप की चीजें से याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो भैया श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का क्या है, स्थाई भाव अगर आप देखोगे तो रति होता है, ये रति लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसका क्या होता है, रति होता है, ठीक है। रति का अर्थ क्या होता है प्यारे बालक, तो रति का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है, आगे बात समझ में। अब प्रेम तो होता है भैया, लेकिन कहाँ का प्रेम, तो देखो जब नायक और नायिका, नायक और नायिका का मतलब आप लगा सकते हो बॉयफ्रेंड से, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है गर्लफ्रेंड, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ कोई भी आ सकता है जिन दो के बीच में प्रेम हो, ठीक है। अभी तुम बीच में ये मत लेके आना भैया कि आजकल तो वो भी चल रहा है कि लड़का लड़के से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़की से प्रेम कर लेती, वो एक अलग बात है, वो मैटर को छोड़ दो तुम, पर नायक नायिका की बात चल रही है, आदमी बेरा की बात चल रही थी, ठीक है। तो जहां पर नायक नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठताओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन हो, मतलब कुल मिला के जहां हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सबकी क्या हो, प्रेम प्रदर्शित होता हो, जिन लाइनों से प्रेम प्रदर्शित होता हो उसमें श्रृंगार रस माना जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी लाइन जिसमें आपको लगे कि इसमें प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, प्यार झलक रहा है, वो सीधी क्या हो जाएगी, श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगी। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं प्यारे बालक, तो दो भेद होते हैं। अब दो भेद तो होते हैं, लेकिन दो भेद कौन कौन से होते हैं भैया, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। अब संयोग का अर्थ क्या है, वियोग का अर्थ क्या है, दोनों के एग्जाम्पल भी दे दूंगा, पहले सुनो। संयोग का अर्थ मतलब क्या होता है, संयोग मतलब मिलना, ठीक है। तो मान लो कि आप कहीं किसी शहर में गए पढ़ने लिखने IAS बनने, और आपको वहां पे कोचिंग में एक बहुत ही शानदार सुंदर लड़की मिल गई, तो आपकी महिला मित्र बन गई, बन गई महिला मित्र। अब महिला मित्र जब वो आपकी बन गई तो क्या बन गई, आपकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब आप दोनों डेट कर रहे हो, एक दूसरे को टेबल पे बैठी, तुम वहां बैठे हो, तो अब तुम क्या करोगे भैया, अब तुम उसकी तारीफ करोगे, टेबल पे आगे बैठी है वो, तो तुम उसकी तारीफ करोगे, तो बोलोगे कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं, है ना। तो ये जो गाना है, ये गाने में अगर आप देखो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं, तो सामने बैठी तुम उसके लिए गाना गा रहे हो, मतलब क्या है, तुम दोनों मिले हो, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तो ये लाइनों में क्या झलक रहा, प्यार झलक रहा। ये लाइन को देखकर तुमको गुस्सा आ रहा है क्या, नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस लाइन में प्यार मोहब्बत की बात की गई है। तो ये गाना अगर आप देखोगे कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं, दो दो बार लिख दी, ठीक है, तो जी करे देखता रहूं, ये लाइन है। अगर ये लाइन में कोई पूछे आपसे तो इसमें कौन सा रस होगा, तो संयोग श्रृंगार होगा। संयोग श्रृंगार में भी कौन सा, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस, अगर नॉर्मली पूछे श्रृंगार रस। एक और तरीके का प्यार होता है, एक तरीके का प्यार का होता है, अब आपको दोनों को डेट करते हो, किसने देख लिया, देख लिया आपके दाई जी ने, दाई जी ने दो बूट आपको दिए, तीन बूट छोरी को दिए, और दोनों को अपने अपने घर पहुंचा दिया, छोरी को दाई जी उसके ले गए उसके घर, और तुमको ले आए गांव, अब तुम यहाँ पानी फेर रहे हो, भैंस चरा रहे हो, अलग बात है, ठीक है। लेकिन तुम दोनों का क्या प्यार खत्म हो गया, क्या प्यार खत्म नहीं हुआ, एक्चुअल में तुम दोनों जुदा हो गए, वियोग हो गया आपका, वियोग मतलब जुदा हो जाना, ठीक है। अब दोनों जुदा हो गए, लेकिन दोनों में प्यार तो अब भी है, तो जब आप उसको फोन लगाओगे या वो उसको वो आपको फोन लगाएगी, तो आप किस तरह की बातें होंगी, सारी रात आहे भरता पल पल यादों में, मरता माने ना मन मेरा, मतलब तेरी याद आ रही है बहुत ज्यादा, वो ये जो लाइन है, इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, इस लाइन में भी आपको दिखेगा प्रेम ही, लेकिन इस लाइन से अलग ही समझ जाओगे कि यार बहुत दूर दूर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों। तो बस संयोग में क्या होता है, दोनों पास रहते हैं, ऐसी लाइन जिसमें प्रेम दिखे लोग दोनों पास रहे, और वियोग में दोनों दूर रहे लेकिन प्रेम तो दिखे। तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार का अर्थ है प्रेम, प्रेम और वियोग का अर्थ है दूर का प्रेम, और संयोग का अर्थ है पास का प्रेम। तो ये इनके एग्जाम्पल तो बुक में अच्छा मिल जाएंगे, मेरा मेन उद्देश्य समझाना, एग्जाम्पल रटवाना होता तो फिर तो बुक ही छपवा देता है, क्या मतलब था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं भैया, ये चीजों से आप पकड़ बहुत जल्दी लोगे, अभी आगे MCU भी करवाऊंगा मैं आपको। हास्य रस, हास्य रस में क्या होगा, हृदय में विनोद या मजाक, हृदय में विनोद या मजाक मतलब कोई सी भी लाइन सुन के आपको हंसी आए, जरूरी नहीं कि हंसी आए, आपके मन में थोड़ा सा रील देखे, मतलब कोई सी देखते हो तो जरूरी नहीं कि आप हा 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 ऐसे हंसो, ऐसे हंसना जरूरी थोड़ा ना, बस थोड़ा सा अंदर से मन खुश हो जाए वही बहुत है, पर्याप्त है, तो उसी को हास्य रस बोला जाता है। जैसे ये गाना आपने सुना होगा, आप अभी नई उम्र के लोग हो
हमारे टाइप के तो नहीं सुना होगा, बाकी पुराने लोग सुनते हैं। जैसे मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया, एक मूवी का गाना है जिसमें एक लड़की गाती है उसकी शादी बुड्ढे व्यक्ति से करवा दी जाती है, तो कि क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया, लोग लेके आए अपनी बीबी के लिए फूल, मेरा बुड्ढा पति मेरे लिए गोभी फूल ले आया। तो अब ये गाना सुनोगे आप तो नॉर्मली कहीं ना कहीं हंसी आएगी। हंसी मतलब ऐसा नहीं कि आप हंसोगे बिल्कुल हाहाकार मचा दोगे, ऐसा नहीं होएगा। हंसोगे मतलब मन में थोड़ा सा एक इसको देख के गुस्सा आएगा, क्या होगा कुछ नहीं होगा, हंसी आएगी मतलब मजाक आएगा। तो ऐसी कोई सी भी लाइन जिसमें हंसी आए या हंसी जैसा भाव आए या हंस सके व्यक्ति, वो सारे क्या आएंगे, हास्य रस हो जाएंगे। तो उसका एक गाने वाला एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी और भी एग्जांपल बुक में दे रखे हैं जिनको आप एज इट इज रट सकते हो अगर रटना चाहो तो, ठीक है। लेकिन अपने को ऐसा नहीं है, अपने को लाइन पढ़ के उसका चीजें निकालना आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। करुण रस, करुण रस में क्या होता है, करुण का अर्थ क्या होता है, शोक भैया। तो स्थायी भाव क्या हो जाता है, करुण का स्थायी भाव हो जाता है शोक। अब मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और अगर वो तुम्हारा दोस्त है, मान लो छत पे बैठा और ऐसा गाना सुन रहा है, कैसा गाना सुन रहा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं, तो आप उससे बोलोगे क्या, क्या हो गया भाई, क्यों परेशान, क्यों दुख क्यों मना रहा है, यही बोलोगे ना आप उससे। आई बात समझ में, क्योंकि इस गाने में आपको कहां प्रेम झलक रहा है, बताओ उनको इस गाने में प्रेम झलक रहा है क्या, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, मतलब उसकी 12 बजे पड़ी बिचारी, ये बात समझ में सीधी अपने को, ठीक है। तो उसका दोस्त उससे जाते से ये पूछ लेगा, कुछ नहीं बोलेगा, यही बोलेगा क्या होगा क्यों परेशान, बस इतना बोलेगा। तो उसको कैसे समझ में आ, क्योंकि उसने सुना ना कि ये गाना सुन रहा है सामने वाला, तो बस इसका क्या है, शोक में, और शोक का स्थायी भाव क्या होता है, करुण होता है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्रोध किसको आता, शंकर जी को रौद्र रूप धारण कर लेते, तो क्रोध और रौद्र दोनों को कनेक्ट कर लो। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये वाला जो गाना एक मूवी का गाना जिसमें एक हीरोइन अपने विलन को देख के गाना गाती है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो ये गुस्से में गाना गाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रौद्र मतलब क्रोध में गाना गाया जाता है। तो ऐसी कोई सी भी लाइन, कोई सी भी लाइन जिसमें क्रोध झलक रहा हो, वो सारी किस में जाती है, रौद्र रस के अंतर्गत जाती है। जैसे मम्मी अपने को बोलती है हां तू बताओ थारे में, ऐसा एकदम गुस्से में बोल दे तो गुस्से में बोल दे उसमें क्रोध दिख रहा है। तो अगर उसमें भी बोल दिया जाए कि हाँ बताऊं तेरे को मैं, यहाँ आ बताऊं तेरे को मैं, उस लाइन में भी अगर आपसे रस पूछ लिया जाए तो उसमें कौन सा रस आ जाएगा, रौद्र रस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उस लाइन को अपन समझ गए ना कि उसमें क्रोध की बात हो रही है। आई बात समझ में, ठीक है। अब वैसे भयानक रस, भयानक रस में क्या होता है भैया, एक और अजगर लिखिए, ये एग्जाम्पल इतना सड़ा एग्जाम्पल है, मतलब एक और अजगर है और एक तरफ मृगराय है, मृगराय मतलब वो मृग मतलब कौन, हिरण, और मृगराय मतलब वो मृग को खाने वाला मतलब शेर, एक तरफ अजगर एक तरफ शेर है, विकट बटोटी मतलब परछो मूर्छा जाए, मतलब एक तरफ शेर है एक तरफ अजगर है, आदमी जाए तो जाएगा, तो ये भय की स्थिति है। आई बात समझ में, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एक तरफ आग लगी है एक तरफ समुद्र है और आपको तैरना नहीं आता, आप किधर जाओगे, अब जाहिर सी बात है ये चीज में आदमी हंसी थोड़ी नहीं आएंगे, मजे थोड़ी नहीं आएंगे, ये आदमी थोड़ा सा भय लगेगा। तो बस यही चीज होती है। और जो मैंने आपको बताए थे ना अभी, इसके पहले विभाव अनुभाव संचारी भाव, ये इनके आगे की और पहले की प्रोसेस है कि आपको भय कब लगेगा। और भय लगेगा तो क्या होगा, भय लगेगा हटेगा यार, भय लगेगा तो क्या होगा, भय लगेगा तो रोंगटे खड़े होंगे, पसीना पसीना हो जाओगे आप, आपको सूझनी पड़ेगी, आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे, ये चीजें होती हैं। तो यही वो उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये स्थायी भाव तो नॉर्मल कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ना तो वहां पढ़ना पड़ेगा आपने को। वीर रस, वीर रस में क्या होता है भैया, वीर रस की अभिव्यक्ति होती है, मतलब इसमें क्या होता है, वीर मतलब उत्साह, तो उत्साह आएगा तो ही वीर रस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अब ये व्यक्ति जो होता है, मान लो कोई आर्मी वाला आपसे ये लाइन बोल रहा है, तो वीर जाहिर सी बात है, तो मतलब वीर रस में क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन टाइप मिलता है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति ये बोल दे आपसे, ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति बोल दे आपसे कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मेरी मत मंजिल आसान करो, तो क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन आता है, उत्साह आ जाता है, एनर्जी आ जाती है आपको। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये क्या होता है, वीर रस होता है। इस टाइप के एग्जाम्पल जो भी पंक्ति जो भी लाइन पढ़ के आपको एक अंदर से उत्साह एनर्जी या फिर मार डालो काट डालो इस टाइप की फीलिंग आ जाए, वो सब वीर रस में आ जाते हैं। आई बात समझ में, मतलब जबरन काट डालो नहीं, ऐसा मोटिवेशन आए कुछ अच्छा करने के लिए, तो पता चले जाओ आग लगा दो बम फोड़ दो पाकिस्तान चल जाए, ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है। विभत्स रस, विभत्स रस में क्या होता है भैया, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। तो जुगुप्सा या घृणा, घृणा मतलब जुगुप्सा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अब घृणा का मतलब क्या होता है, घृणा मतलब ये कि आपको बहुत किचवान से आती है अच्छी अच्छी चीज, जैसे एक सूअर कीचड़ में लपेट के आया और आपसे चोट गया, आपसे चोट गया मतलब आपके ऊपर सूअर गिर गया, तो आपको कैसा लगे अच्छी चीज, वही बस घर में लासे बाहर लासे, इस टाइप के एग्जांपल, मतलब जिस लाइन को पढ़ के आपको एकदम घृणा सी होगी कि यार ये ऐसा कैसे हो गया यार, ऐसा मन नहीं होना चाहिए। जैसे घर में लासे मतलब घर में लासे लासे सब तरफ खून ही खून हो रहा है, बाहर भी लासे, आप बाहर गए जनपद पे मतलब बाहर गए तो बाहर और लासे लासे पड़ी है, ठीक है। आंखें नशे यहाँ दृश्य देखा, मतलब आपकी आंखों ने यहाँ दृश्य देखा, मूंद जाती है मतलब आंखें बंद हो रही है, इतनी भयंकर लासे लासे, अब सोचो आप, तो आपको क्या होगा, घृणा होगी कि यार ये कैसी बात है, हटा गया, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। तो बस ऐसी पंक्तियां जिनको पढ़ के आपको क्या घृणा या जुगुप्सा हो, वही क्या हो जाता है, विभत्स रस कहलाता है। बस इतना सा मुद्दा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी
यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल इसलिए दी है ताकि आप लोगों को जल्दी कनेक्ट हो पाए ये चीजें। बाकी मैंने कोर्स के अंदर जब पढ़ाया तो वहाँ पे और डिटेल में चीजें बताई है मैंने, इनके भेद भी बताए कि इनमें क्या क्या और चीजें होती हैं, बहुत डिटेल में बताया। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिविजन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों का। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की बेसिक हिंदी कंप्लीट है, कमजोर है तो फिर आपको वहां आना चाहिए। उसके लिए मतलब ये है कि फिर यहाँ पे एक क्लास के अंदर सारी चीज नहीं होगी। मैंने वहां रस के ऊपर 3-4 क्लासेस ली है तो 3-4 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है, तो आप सोचो एक क्लास में कैसे कंप्लीट कर दूं। तो यहाँ पे आता अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या होता है भैया? विस्मय या आश्चर्य। तो यहाँ पे विस्मय, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का नाम सुना आपने, जहां पे उल्टी आई लगे। तो इसकी एक शानदार सी वही है भैया भैया कि कोई सी भी लाइन जहां पे आपको क्या हो, आपको दिखे कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है, वो आंख बंद करके कौन सा लगा देना, अद्भुत रस लगा देना। मतलब विस्मय या आश्चर्यजनक बातें होती हैं तो क्या हो जाता है, अद्भुत रस हो जाता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो गए निशाचर भाग, अब ये जो मैंने आपको बताया विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये किसका होता है? इसका होता है। लेकिन 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 अद्भुत रस में क्या होता है? विस्मय और आश्चर्य। आश्चर्य, अब आप देखना इस लाइन को, सुनना आपको सुन के। अब ये हो सकता है ये चिन्ह आपको मिल भी जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि चिन्ह मिले हर बार। अब चिन्ह नहीं मिला लेकिन आप इसको सुन के आश्चर्य होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका दोस्त है कोई, और आपका दोस्त बोल रहा है यार कि थोड़ी देर के लिए, मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो बहुत ज्यादा, कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड बनी ना, इतनी खतरनाक गर्लफ्रेंड बनी, मतलब बहुत सुंदर है, और जिसके बाद में वो क्या करती है, रोज मेरे को 200 रुपये देती है बीड़ी पीने के, सिगरेट पीने के, और मतलब उसके पापा ने मेरी उस आधी उनकी जमीन मेरे नाम से करवा दी। इस टाइप की आपका दोस्त आपसे बात बोले, आप बोलोगे यार कितनी फेंक रहे हैं यार, मतलब अद्भुत तरह की बात हो गई ना ये, तो इस टाइप की बात है। अब और भी हो सकता है, आपका दोस्त बोले अरे यार मैं रात को सोया था तो रात में मेरे पास को भगवान आए, भगवान मेरे सामने प्रकट होगा, भगवान ने मेरे को बोला टक तो यूपी कांस्टेबल में सिलेक्ट हो जाएगा, तेरा तो ये हो जाएगा वो जाएगा, तो बोला यार क्यों फेंक रहे यार भैया, सो जाए ना चुपचाप, इस टाइप की चीज। तो अद्भुत बातें हो जाती है वो। तो अब यहाँ पे देखो, हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जली गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें आश्चर्यजनक बात हो रही कि नहीं हो रही? मतलब हनुमान जी की पूछ में लगन ना पाई आग, मतलब हनुमान जी की पूछ में अगर आग ही नहीं लगी तो भैया सारी लंका जल कैसे गई, और जब लंका जली ही नहीं तो सारे निशाचर भाग कैसे गए, भागे क्यों जब जली ही नहीं थी वो तो, और जलेगी कहां से जब हनुमान जी की पूछ में आग ही नहीं लगी तो। आई बात समझ में? तो जैसे वही राणा जी का एक और रहता है, राणा जी का घोड़ा उस पार कूद गया था, तो भैया वो राणा जी को घोड़ा उस पार कूद गया तो कैसे कूद गया, वो चीज आश्चर्यजनक बातें होती ना। तो बस ये आश्चर्यजनक बातें सच किसमें आती है? अद्भुत रस में आती है। वैसे होता शांत रस, जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद, निर्वेद मतलब कोई भाव नहीं, बस शांति वाला काम। निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य मोह माया का त्याग देता है। जैसे अब जैसे इधर देखना थोड़ी देर के लिए, अगर आप ये गाना सुनते हो या फिर कोई साधु संत के पास बैठते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आई है, मन रेतन कागज का पुतला, ठीक है, मन रेतन कागज का पुतला, लगे बूंद बिरसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। मतलब आपका जो शरीर है वो कागज का, मतलब एक तरह कागज का मिट्टी का पुतला है, वो उस पर कुछ थोड़ा सा वो हुआ आप मर जाओगे, आपका शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, तो इस पर इतना घरमंड गर्भ क्यों करना है, ये बात बोल रहे हो। तो इसमें क्या होता है, आदमी का मन ऐसा नहीं करता अरे जाओ मार डालो जिसने इसको बोला ऐसा ऐसा फलान ढिमका, ऐसा नहीं करता आदमी का मन, कैसा करता है? हाँ यार बात तो सही है, ठीक है। तो निर्वेद शांत हो जाता है, हमने कहा ठीक है चिल करो। आई बात समझ में? जैसे आप किसी साधु संत के पास जाते हो, आपसे बहुत शांति से बात कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, वही क्या होता है, शांत रस होता है, ठीक है। और जो अपने क्या नाम उनका भरत मुनि भाई साहब ने इनको क्या शांत रस को क्यों नहीं माना है, क्यों नहीं माना उन्होंने स्थाई भाव के अंतर्गत, क्यों नहीं माना? क्योंकि वो मानते नाटक के हिसाब से रस, रस मतलब रामलीला होती है ना आपके गांव में, रामलीला वगैरह कभी देखी है? जो गांव के लोग उन्हें देखी होगी, सिटी के लोग तो नहीं देख पाते, तो रामलीला वगैरह होती है उसमें सारे रस काम आते हैं, गुस्सा प्रेम घृणा सब आते हैं, लेकिन शांत रस कभी नहीं आता। क्योंकि शांत रस का मतलब क्या कि जितने भी रामायण में जो एक्टिंग कर रहे हैं, राम की एक्टिंग कर रहा, रावण की एक्टिंग कर रहा, वो सब ऐसे खड़ गए, अब ऐसे खड़ गए तो क्या रामायण ही खत्म हो गई फिर तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंग क्या है, शांत रस रस है ही नहीं। आई बात समझ में? इसलिए तो आपसे पूछा जा सकता है भरत मुनि ने किन्हें रस नहीं माना है, तो शांत रस को नहीं माना है, ठीक है, और भक्ति रस को नहीं माना है, और एक और रस जो है उसको नहीं माना है, ठीक है, भक्ति रस का बात वात्सल्य रस आता है ये वाला, तो ये तीनों को क्या नहीं माना है भरत मुनि भाई साहब ने, ये तीनों को रस नहीं माना है। और श्रृंगार रस को रसराज इसलिए माना क्योंकि ये दोनों रसराज श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाते हैं। वात्सल्य, वात्सल्य में क्या होता है, संतान के प्रति माता पिता के जो स्नेह होता है, सॉरी वात्सल्य, अरे ये ऊ गलत लिखा है, ठीक है, वही तो मैं बोलूँ, वात्सल्य का रस स्थाई भाव क्या होता है, वात्सलता होता है, ठीक है, अनुराग, अनुराग जिसको प्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना आप, जैसे ये लाइन पढ़ोगे आप, अगर कोई सी भी लाइन पढ़ो उसमें क्या फील आ रहा है, बस वो फील निकाल लो, ये सबसे आसान ट्रिक है कि फील निकाल लिया मतलब आप उसका समझ जाओगे कि इसमें कौन सा रस है। जैसे मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पिलाती भाई अजू है छोटी, मतलब छोटी अभी तक छोटी है,
अभी तक वो छोटी बड़ी नहीं है, आपने कितनी बार पागल बना बना के दूध पिला दिया मेरे को, तो इसमें वात्सल्य रस है। क्यों? क्योंकि इसमें मम्मी और बेटे का मतलब कृष्ण जी और उनकी माता का जो प्रेम है वो दिख रहा है यशोदा जी का, ठीक है। ऐसे भक्ति रस में क्या होता है, भक्ति रस में भगवत विषयक रति मतलब भगवान से संबंधित रति मतलब भगवान संबंधित प्रेम, तो जहां ईश्वर के प्रति प्रेम अनुराग वर्णन होता है वहां भक्ति रस होता है। अब किस तरीके से होता भैया, तो तेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो मतलब तेरे नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब ये बात जो बोल रही मीरा जी बोल रही है, तो ये क्या बोल रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ये जो लाइन इनको पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि इसमें भगवान के प्रति जो प्रेम है वही है। आई बात समझ में? जैसे आप बोल दो मेरे तो कोई नहीं, मेरे तो बस हनुमान जी हैं, तो मेरे तो जो हनुमान जी ये लाइन में क्या है, प्रेम ही तो है भगवान के प्रति। लेकिन आप ये बोल दो कि नहीं मेरे तो हनुमान जी नहीं, मेरे तो मेरी गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है, तो गर्लफ्रेंड है तो फिर आप श्रृंगार रस में चले गए बेटा। आई बात समझ में? और आप ये बोल दो कि मेरी तो माँ ही सब कुछ है, तो मेरी माँ सब कुछ है तो वो आप किस में चले गए, वात्सल्य रस में चले गए। आई बात समझ में? तो आप एक दो शब्द चेंज कर दोगे तो कनेक्ट चीज हो जाएगी। आप तीनों में क्या हुआ, गर्लफ्रेंड में भी प्रेम हुआ, भगवान में भी प्रेम हुआ, मम्मी के टाइम पे भी प्रेम हुआ, लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग अलग हुई। भगवान से करोगे तो यहाँ जाओगे, मम्मी से करोगे तो यहाँ जाओगे, और गर्लफ्रेंड से करोगे, प्रेमी से करोगे, वाइफ से करोगे तो कहाँ चले जाओगे, श्रृंगार रस में चले जाओगे। बस यही एक सिस्टम होता है और कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद में कुछ एमसीक्यू करवाऊंगा, वो एमसीक्यू इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको करने चाहिए अभी, अगर आंसर नहीं दे पाओ तो फिर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ने की, ठीक है। तो पहली बात तो भैया ये है कि यूपी कांस्टेबल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी री एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को दोगे तो पूरा संपूर्ण हिंदी, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कोई से भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे हिंदी के कोर्सेज जुड़ सकते हो, इसमें पूरी हिंदी कंप्लीट करवाइए, आपके पास लगभग एक साल तक का एक्सेस रहता है, कितनी भी बार आप उसको देख सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये कि इसमें पूरी हिंदी तो मिलती है, सारी चीजें मैंने एक एक से बताई है, उसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ मिलेगी, और लगभग चीजें ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई है। अभी जो पढ़ाया ना, इससे ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ाई है मैंने, विभाव अनुभाव संचारी भाव 33 तरीके होते, कौन कौन से होते, किस तरीके से लागू होते, सारी चीजें एक बताइए, और वो भी सब कुछ ट्रिक के माध्यम से। और इसमें एक चीज और हो रही है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को मैं लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ। लाइव क्लास में होगा क्या, लाइव क्लास में आपको मैं पूरी हिंदी जितनी अभी तक कोर्स में पढ़ाई है सिर्फ 3 क्लास के अंदर खत्म करवा दूंगा। तो यूपी पुलिस वाले जिनका एग्जाम है वो लोग तो जरूर इस लाइव क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है। और ये आपको पास ऐसा नहीं है कि ये कोर्स एक बार ही रहेगा, इसके बाद फिर आप इसको चला नहीं सकते, ये कोर्स आपके पास एक साल तक एक्सेस रहेगा। आप जब भी कोई सी गवर्नमेंट जॉब आए, जब भी आपको हिंदी का रिवीजन करना रहे, तो आप ये 3 वीडियो देख लो, 3 वीडियो नहीं देखने तो पूरा हिंदी का कोर्स तो है ही, सारे वीडियो भी एक एक से आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगी ट्रिक के माध्यम से, और अगर अभी आप इस कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल है उसका टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। ये एक छोटी सी जानकारी थी, मेन तो ये था कि आपको पूरी हिंदी रिवीजन करनी है अगर 3 दिन के अंदर, तो आप बिल्कुल वहां पे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। बाकी अपन बात करते हैं या अब किसकी, एमसीक्यू की। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इन पे आपको जरा ध्यान देना चाहिए और इनके आंसर देना चाहिए, ये आप ही लोगों के लिए है। तो देखो, एक और अजगर रखी आए, एक तरफ मगर आए, ठीक है, मतलब एक तरफ अजगर एक तरफ मगर है, तो विकेट वटोती बीच ही परछियो मूर्छा जाए, तो इस लाइन में कौन सा रस है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस लाइन को पढ़ के आपको क्या हो रहा है कि एक तरफ अजगर खड़ा है, एक तरफ मगर खड़ा है, अब आदमी जाए तो जाए कहां, तो वो देख के बेहोश हो गया, तो इसमें कौन सा, अगर आप देखोगे तो भयानक रस, मतलब इसमें क्या हो रहा है, भय लग रहा है आदमी को, क्या लग रहा है प्यारे वाला, तो भय लग रहा मतलब आदमी को डर लग रहा है। अब डर लगेगा तो कैसा हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। देखो, भयानक रस जब किसी भयानक अनिष्ट व्यक्ति वस्तु को देखता है, मतलब कोई सी भी ऐसी चीज जिसको देख के आपको डर लगे, सीधी बात, कोई सी भी ऐसी लाइन जिसको आपको सुन के देख के पढ़ के ऐसा लगे कि इसमें डर की बात है, वो सब भयानक रस में जाएगी। बस मुद्दा इतना सा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस कंडीशन ये कि वो लाइन का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, अगर अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर कैसे क्या कर पाएंगे, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अद्भुत रस, अद्भुत रस में क्या होता है भैया, इसका स्थायी भाव पूछा है। अद्भुत का स्थायी भाव कौन सा होता है, क्रोध होता है, उत्साह होता है, विभत्स होता है, भय होता है। तो अद्भुत का क्या होता है भैया, भय होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। उत्साह होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि उत्साह किसका होता है, वीर का होता है। क्रोध होता है क्या, क्रोध भी नहीं होता, क्योंकि क्रोध तो किसका होता है, रौद्र का होता है। तो अगर देखा जाए तो ये बच्चा है, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको एक दो के याद है, 3 के याद है और बाकी के नहीं याद है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो विस्मय मतलब आश्चर्य, अद्भुत बातें, जैसे हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग गई, लंका जल गई, भग गए सारे निशाचर, तो ये वाली बात है जिसमें आश्चर्य होता है, ठीक है। आई बात समझ में? उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनके आंसर मैं जरूर दे रहा हूँ, लेकिन आपके मन में मेरे आंसर देने से पहले आपके मन में आ रहे या नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे पा रहे तो आपकी हिंदी वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, उस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। रसों का राजा किस रस को का माना जाता है, तो रस का राजा किस रस को माना गया भैया, तो देखो, करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, या हास्य रस को, तो रस का राजा किसको माना गया है, किसको माना रस का राजा, तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, रस का राजा किसको, श्रृंगार रस को माना गया, श्रृंगार इस तरीके से लिखा आएगा, ठीक है, ये सारा ऐसा लिख गया, तो श्रृंगार रस को माना गया। अब श्रृंगार रस को क्यों माना गया, क्योंकि इसमें वात्सल्य रस और अपने वात्सल्य रस के बाद भक्ति रस, दोनों रस को इसके अंदर जोड़ दिया जाता है, दोनों रस को जोड़ के इसकी पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है तो ये क्या कहलाता है, रस का राजा कहलाता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार क्या है भैया, इस प्रकार भरत मुनि ने रस सूत्र क्या है, इनकी बुक है,
रस सूत्र इनकी क्या किताब है, पुस्तक, सीधी बात है। तो रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का, शांत रस का, अनुराग का या संचारी भाव का, अनुभव का, किसका उल्लेख नहीं है, तो शांत का नहीं है, ऐसा मैंने बताया था कि आपको, तो याद करो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल आपको मैंने बताया था भैया, यहाँ पे क्या बताया था, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। 8 मानी है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोध रस, वीर रस, भयानक रस, विवस्त रस, अद्भुत रस। अगर देखा जाए तो इसमें भरत मुनि ने कौन सा 8 ही रस माने, शांत, भक्ति और वात्सल्य को नहीं माना है। तो अगर एक अपने क्वेश्चन के अग्रोटिंग देखा जाए तो शांत रस इसमें नहीं आएगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, शांत रस, क्योंकि इन्होंने नहीं माना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए, हल्के में बिल्कुल भी ना लिया जाए, और यूं सोचो कि नहीं हम ही बल्ला में, हम तो हम करना क्या कर देंगे, तो फिर कर दो तुम्हारे हिसाब से कर दो, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, लेकिन कि नहीं भैया हाँ तुम सही कह रहे हो तो फिर सही शॉर्ट सिस्टम। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, वात्सल्य, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, किस आधार पर कहा जाता है, ये इस आधार पर कि उसने, उस कवि ने वात्सल्य रस पे लेके बहुत सारी कविताएं लिखी। तो किसने लिखी भैया, सूरदास ने लिखी, तुलसीदास ने लिखी, बिहारी ने लिखी, या नंददास ने लिखी, किसने लिखी? तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो वात्सल्य रस का सम्राट कवि सूरदास को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनने वात्सल्य रस, मतलब मम्मी और बेटे के जो प्रेम है उस पर कविताएं लिखी है, को कहा जाता है, ठीक है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है, वत्सलता, अनुराग कहलाता है। अगर सूरदास की रचनाएं देखोगे तो सुरसागर, ये सारी याद रख लेना, ठीक है। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली, जिसके बाद मत सुर पचीसी, जिसके बाद नागलीला, नागलीला, ये सारी जो रचनाएं हैं ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए, बिल्कुल मुंह ना फाड़ा जाए, इसको बिल्कुल रट लिया जाए एज इट इज, ठीक है। जहां पे सूरज आए वहां लगा देना। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण, करुण, करुण का स्थायी भाव क्या है, मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, रोध, क्रोध होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, उत्साह होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी है, तो क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। शोक क्यों हो जाएगा भैया, शोक, तुझसे नाराज नहीं जिनकी, हैरान हूं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं, अगर ये गाना आपका दोस्त सुन रहा है तो मतलब क्या है, दुख में, शोक में, और शोक में मतलब शोक का स्थायी भाव क्या हो जाता है, करुण हो जाता है, जो कि मैं आपको अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ठीक है। जैसे दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज सो नहीं कही, ये सारे एग्जाम्पल, अब जिस इस एग्जाम्पल को आप सुन पढ़ोगे तो आपको अलग ही फील हो जाएगा भैया कि इसमें किसी शोक की भावना आ रही है, कि दुखी जीवन की कथा रही, अब दुखी चल रहे जीवन में तो क्या आदमी बोले, तो शोक चल रहा है उसके जीवन में और क्या चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे क्या आता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का मैंने आपको बताया था कि वीर जो रहेगा वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, वीर ऐसा नहीं रहेगा अरे यार क्या लड़े यार मजे नहीं आ रहे यार, तो ऐसा नहीं रहेगा एकदम कौन सा लड़ना, किसको मानना, अभी मार दूं, ये वाला, तो वो उत्साहित रहता है, एनर्जेटिक रहता है वीर, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो वीर उत्साह, वीर, वीर का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जेटिक रहता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पे चमक उठी सन 57 में, ये इतना सड़ा सा एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ तुमको कसम से, ये छठी सातवीं क्लास में पूछा जाता था, और अब अगर एग्जाम में अगर नहीं बना तो भगवान कसम कोई मतलब नहीं अभी तक की पढ़ाई का। तो चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी रस में, बताइए मतलब कौन से रस का उदाहरण है ये भैया। तो अगर देखा जाए तो कौन से रस का उदाहरण है, चमक उठी वो सन 57 में, तो जो तलवार की बात चल रही है किसकी तलवार थी, जाहिर सी बात थी वीर की तलवार थी, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, वीर रस ही होगा, सही बात है। यहाँ भक्ति की बात चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही। हंसने की बात है तलवार उठा ली, बिल्कुल नहीं है। श्रृंगार की या प्रेम मोहम्मद गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की बात चल रही, नहीं चल रही। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा अपना, जहाँ तलवार वगैरह लड़ाई झगड़े की बात जाए वहाँ वीर रस ही आएगा, याद रखना, ये बेसिक ट्रिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भैया, साहित्य में रस का क्या अर्थ है, तो साहित्य, साहित्य, साहित्य में रस का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत ऐसा लग रहा होगा इजी, पर इजी नहीं है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, या किसी फल का स्वाद, या साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, तो क्या होगा इसका आंसर, सही साइड बताओ फटाफट फुर्ती से कमेंट में, मैं बता देता हूं। देखो इधर, साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, अन्य विकल्प असंगत है, मतलब जो इतने सारे विकल्प लिखे हैं सब असंगत है। साहित्य की मिठास, साहित्य की मिठास बिल्कुल नहीं होता है, क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, रस मतलब आनंद की अनुभूति ना कि मिठास, आई बस समझ। तो आनंद की अनुभूति, आनंद ढूंढना है, जब भी रस की बात चले तो आनंद शब्द को ढूंढना अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सी, कौन सी, कौन सा रस का वर्णन है, तो निस दिन बरसत नैन हमारे, अब ये जो पंक्ति इसमें कौन सा रस है, तो आपके में वीर रस है, भयानक रस है, या विभत्स वात्सल्य रस है, या श्रृंगार रस है। तो अगर आप देखोगे तो देखो इसमें आना, निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे निस दिन बरसत नैन हमारे, तो यहाँ पे निस दिन बरसत नैन हमारे, यहाँ पे देख के तुम खुद ही देख लो ना, यहाँ पे, यहाँ देख के आपको क्या लग रहा है, वीर, वीर की बात चल रही है क्या, नहीं चल रही, वीरता की कोई बात नहीं चल रही है, भय, भय डर लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, वात्सलता, वात्सलता है क्या, वात्सलता नहीं है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो श्रृंगार रस की भावनाएं आती है, क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे नैन, नैन मटोले की बात किससे चलती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सीधी बात, आई बात समझ,
इस टाइप का सिस्टम रहता है। और ये एग्जाम्पल को एक एक दो दो बार कर लोगे ना तो आपको रटा भी जाएंगे। विस्मय स्थायी भाव का किस रस से होता है? तो विस्मय जो होता है उसका स्थायी भाव कौन सा होता है? तो हास और शांत अद्भुत या विभत्स, तो अद्भुत होता है, सीधी बात है। मेरे से पहले अगर आपके आंसर आ रहे तो आपकी पढ़ाई बहुत सही है, और आंसर नहीं आ रहे तो बहुत दिक्कत है। तो मुझे कमेंट में ये बताना कि आपके आंसर, मैं जो आंसर दे रहा हूं उससे पहले आ रहे या नहीं आ रहे, ठीक है। घृणा उत्पन्न करने वाला रस, तो घृणा उत्पन्न करने वाला रस कौन सा होता है प्यारे बच्चे? प्यारे बच्चे ये बता, 1 2 3 4, तो घृणा उत्पन्न करने वाला रस कौन सा होता है? सिंगार रस होते का? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें तो प्रेम होता है। शांत रस? बिल्कुल नहीं होता है। विभत्स? विभत्स का घृणा होता है, अद्भुत का हो सकता है क्या? इन दोनों में से किसका होगा? तो जाहिर सी बात है घृणा किसमें होगी? अद्भुत में, तो विस्मय होगा, ठीक है। तो विभत्स में क्या होता है? घृणा होती है, ये बात याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन भैया किस चीज की। कभी कफन को उठा देखते गल लग गए निर्झर झर 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 करते, दिन 13 में ही बिरसते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार सॉरी रस है, कौन सा रस है? अभी रस की बात चल रही है ना। होता है क्या है कि रस और अलंकार के जो एग्जांपल है वो लगभग सेम मैच कर जाते हैं, इस वजह से अपने को कंफ्यूजन होता है। तो रस कौन सा रस है? तो अगर आप देखो कफी कफन को उठा देखते, तो कफन की बात चल रही है उठा देखते, तो अगर आप यहाँ पे आओगे प्रस्तुत पंक्ति में करुण रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कभी कफन को उठा देखते, अब यहाँ पे कौन सी बात चल रही है? यहाँ पे शोक की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? शोक की बात चल रही है। शोक की बात चल रही है, तो शोक की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। मतलब एक शब्द से भी आप उसको पकड़ सकते हो पूरा। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं सो आज कही या अभी थोड़ी देर पहले आया था, इसमें भी कौन सा हो जाएगा? इसमें भी कौन सा? करुण रस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी दुख की बात चल रही है, शोक की बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतने ही थे, कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपकी पूरी हिंदी का रिविजन अगर करना है तो आप इस कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं, और इस कोर्स को आप एक साल तक देख सकते हैं। पूरी हिंदी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, किसी भी पर्सपेक्टिव से आपको कुछ नहीं करना है। ये पूरे लेक्चर जो रहेंगे हिंदी के, पूरे बने हुए सेगमेंट, उसमें फोल्डर बने हुए सबके, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ वगैरह ट्रिक वगैरह सब बनी हुई है। और अगर आपको एग्जाम मान लो 3 दिन बाद 4 दिन बाद ही है और आपको पूरी रिवीजन करनी है, तो पूरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर 3 वीडियो भी आप देख सकते हैं। मतलब ये 3 वीडियो भी आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे, ये भी आपके पास रहेंगे। आप जब टाइम हो, जब ये देख लो, जब आपकी एग्जाम पास में आए तो 3 वीडियो देखो, 3 दिन में आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट। कितना बढ़िया सिस्टम रहेगा अपना, ठीक है। तो पूरी रिवीजन भी कर सकते हो। तो आपको अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, और यूपी पुलिस के टेस्ट सीरीज अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आपको उसमें रहेगी, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कोर्स के अंदर। अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो आना, आपने बहुत बढ़िया लेवल का पढ़ रखा है, बहुत अच्छा, ऐसा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, तो फिर क्या ही करोगे आप। लेकिन हाँ, कमजोर है, आपको जरूरत है, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाओ, ठीक है। बाकी धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेल लिया इसके लिए, थैंक यू, बाय बाय।